हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए लाया हूं क्रेन के जर्नल क्वेश्चन के बारे में। क्रेन स्टार्ट करने से पहले और क्रेन स्टार्ट करने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और इससे रिलेटिव कई क्वेश्चन है जो कि हमें क्रेन के बारे में हमेशा नॉलेज रखना चाहिए और हमें चेक करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन ऐसी भी है कि अगर आप क्रेन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत जरूरी होती है और उसमें पूछा जाता है, और क्रेन के रख रखाव के बारे में भी पूछा जाता है कि क्रेन का रख रखाव कैसे होता है या क्रेन का जर्नल मेंटेनेंस कैसे रखा जाता है, क्रेन स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है या क्रेन स्टार्ट करने के बाद में क्या करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जर्नल मेंटेनेंस के बारे में है, क्रेन के रख रखाव के बारे में है, तो इसके बारे में ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र इन्फो चैनल। तो दोस्तों, क्रेन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्रेन का पानी चेक करते हैं, जिसे कूलेंट वाटर कहा जाता है। तो सबसे पहले कूलेंट वाटर चेक किया जाता है, और आप कूलेंट वाटर चेक करिए। अगर कूलेंट वाटर में अगर पानी का लेवल कम है तो आप उसमें कूलेंट अगर अवेलेबल है तो कूलेंट डालिए, नहीं तो पानी भी आप डाल सकते हैं। पानी डाल के उसका लेवल फुल कर दीजिए, ताकि उससे क्या होता है कि आपका जो इंजन होता है वो हमेशा उसको मेंटेनेंस करके रखता है, हीट नहीं होने देता है। तो कूलेंट लेवल बहुत जरूरी होता है, इसे आप हमेशा चेक करिए। तो उसके बाद इंजन ऑयल चेक किया जाता है। तो इंजन ऑयल में, इंजन ऑयल के पास में एक गेज होता है इंजन ऑयल चेक करने के लिए। तो आप उस गेज को निकाल के और एक कपड़े के सहायता से उसे पहले साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद में फिर दोबारा गेज को डालिए, गेज को डाल के और फिर उसे निकालेंगे तो आपके इंजन के ऑयल का जो लेवल है वो एकदम क्लियर उसमें नजर आता है। तो इंजन के ऑयल का जो लेवल है वहां पे फुल होता है और मिनिमम होता है, तो हमेशा फुल में रहा तो ठीक है, अगर फुल से थोड़ा भी नीचे आता है तो आप उसमें अपने मैकेनिक को बोल के उसमें आप ऑयल डलवा लीजिए, या फिर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको इंजन का जो ऑयल है उसे डाल के आप लेवल को बराबर कर दीजिए, यानी फुल हो ठीक है, या जो उसका जो पॉइंट होता है उसमें कुछ कुछ गेज में लाइन का भी निशान होता है तो लाइन के निशान तक होना चाहिए, ताकि इससे आपका इंजन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और आपका इंजन अच्छा काम करता है। उसके बाद हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है, हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल होता है, जहां भी हाइड्रोलिक ऑयल टंकी है उसके पास में एक लेवल लगा होता है, वो लेवल में आपको क्लियर नजर आएगा कि आपका हाइड्रोलिक ऑयल कितना, आपके टंकी में हाइड्रोलिक ऑयल कितना है वो आप क्लियर चेक कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक ऑयल को चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्रेन को पूरा क्लोज कर लीजिए, आउटरिगर चेक अंदर कर लीजिए, आउटरिगर को पूरा अंदर कर लीजिए, उसके बाद में पूरा बूम डाउन कर लीजिए। ये पूरा बूम डाउन करने के बाद, आउटरिगर अंदर लेने के बाद ही हाइड्रोलिक का ऑयल जो है हमें क्लियर नजर आता है। तो इस तरह से हम हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं। अगर हाइड्रोलिक ऑयल कम है तो उसमें भी आप हाइड्रोलिक ऑयल डलवा के और उसे उसका लेवल हमेशा मेंटेन करके रखिए। जो लेवल, जो मैन्युफैक्चर कंपनी जो लेवल दिया हुआ है, वो लेवल को हमेशा हाइड्रोलिक ऑयल से भी मेंटेन करके रखिए। उसके बाद आप अपने क्रेन के चारों तरफ घूम के और चेचिस के नीचे और केबिन के पास में, बूम के पास में, हर जगह जहां भी हाइड्रोलिक पाइप लगा हुआ है वहां पे आप लीकेज वगैरह चेक कर लीजिए कि क्रेन में कोई लीकेज तो नहीं है ना। अगर क्रेन में कहीं लीकेज दिखता है तो उस लीकेज को आप अपने मैकेनिक को बोल के उसे सही करा लीजिए। उसके बाद में आप क्रेन के चारों तरफ घूमिए और घूम के क्रेन के टायर का कंडीशन देखिए। क्रेन का टायर का कंडीशन हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि काम करते समय क्रेन से ट्रेवलिंग भी करना होता है, एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना है तो ट्रेवलिंग करना होता है, तो आपके टायर का कंडीशन सही होना चाहिए। आप टायर में हवा देख लीजिए, हवा का प्रेशर देख लीजिए, अगर टायर अगर का कंडीशन सही नहीं है तो आप टायर को सही करा लीजिए। पंचर हो सकता है या टायर कहीं ब्लास्ट हो सकता है, तो उसका कंडीशन आप हमेशा सही करा के रखिए, और टायर का कंडीशन हमेशा सही होना चाहिए। उसके बाद में क्रेन के वायर ड्रम का कंडीशन आप चेक कर लीजिए। वायर ड्रम में आप देखिए जो क्रेन का जो वायर रोप है, जो वायर रोप है, वायर सीलिंग है, उसका कंडीशन सही है कि नहीं। उसमें जो वायर रोप होता है उसमें कोई कटा हुआ तो नहीं है ना, क्योंकि जो ड्रम में जो भी वायर होता है वो एकदम सही होना चाहिए, उसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं आना चाहिए, कोई भी फोल्डिंग नहीं आना चाहिए, वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि लिफ्टिंग करते समय अगर आप हैवी लिफ्ट कर रहे हैं तो अगर कटा है तो उसमें एक्सीडेंट होने का डर होता है, खतरा होता है, तो इसीलिए वायर ड्रम में जो भी वायर है वो एकदम सही होना चाहिए और कोई भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें से कोई तार टूटा हुआ होना चाहिए। वायर ड्रम में जो वायर होता है वो हर लेयर सही से लपेटा होना चाहिए और वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, वो एक दूसरे में ऐठन नहीं आना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ
नहीं होना चाहिए, उसे उसे लिफ्टिंग करने में आपको प्रॉब्लम आता है और फिर सीलिंग भी डैमेज होने का डर होता है, इसीलिए वो लेयर के हिसाब से लपेटा होना चाहिए वायर, जिससे आपका डैमेज नहीं होता है। उसके बाद में आप क्रेन के हुक ब्लॉक का कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, हुक ब्लॉक होता है उसमें एक्सिलरी हुक होता है, तो ये दोनों आप चेक कर सकते हैं, उसमें लैचिंग लगा होता है, उसमें छोटा सा एक क्लिप होता है जिससे सीलिंग को निकलने नहीं देता है, तो वो आप देख सकते हैं, उसको देख के आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में क्रेन के बैटरी का टर्मिनल भी आप चेक कर लीजिए, बैटरी का टर्मिनल सही से लगा हुआ है कि नहीं, उससे जो पावर का सप्लाई जो केबिन में आता है वो सही ढंग से आ रहा है, तो ये आप टर्मिनल अगर सही से लगा रहेगा तो ही आपके क्रेन के केबिन में जो बैटरी का सप्लाई है तो वो सही तरीके से आ सकता है, तो बैटरी का कनेक्शन आप एक बार सही ढंग से चेक कर लीजिए और उसका पॉइंट चेक करिए, अगर वो कहीं से लूज है बैटरी का कनेक्शन तो उसे आप टाइट करिए, क्योंकि अगर टाइट नहीं करेंगे तो जब भी आप क्रेन स्टार्ट करेंगे तो उसमें स्पार्क होता है, वो स्पार्क की वजह से क्रेन का बैटरी का जो पॉइंट है वो जल सकता है, तो हमेशा बैटरी का पॉइंट टाइट होना चाहिए, इसे हमेशा चेक करते रहना चाहिए क्रेन स्टार्ट करने से पहले। और कुछ क्रेनों में बैटरी का ऑन ऑफ का भी सिस्टम होता है, तो आप केबिन में आने से पहले बैटरी का कनेक्शन को ऑन कर लीजिए ताकि बैटरी का जो पावर सप्लाई है आपके क्रेन के केबिन तक आ सके, जिससे आपका क्रेन स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में आप क्रेन के केबिन को अच्छे से साफ करिए, साफ सुथरा रखिए, क्रेन का केबिन हमेशा साफ सुथरा रहेगा तो कभी भी कोई भी आपका बड़ा इंजीनियर या फोरमैन या कोई भी जो सुपरवाइजर है या साइड इंचार्ज जो भी है वो आपके केबिन में कभी कभी आपसे बात करने के लिए या कुछ डिस्कस करने के लिए आपके केबिन में वो आ जाता है, तो आपका केबिन का अगर साफ सफाई अच्छी है, आपका केबिन क्लीन है, तो वो देखेगा तो खुश रहेगा और देखने में भी अच्छा लगता है, और केबिन के साफ सफाई से आपका इंप्रेशन बढ़ता है, कोई भी आपके केबिन में आता है तो देखता है कि आपका केबिन बहुत साफ सुथरा है, आप क्रेन का केयर करते हैं और साफ सुथरा रखते हैं। उसके बाद में आपके क्रेन में एक फायर एस्टिगेशर होता है, जो कि कहीं आग लग गया है या कहीं अगर आग लग जाए तो आप उसको बुझाने के काम आता है, तो फायर एस्टिगेशर को आप उसका मूवमेंट को आप चेक कर लीजिए, उसमें एक छोटा सा मीटर होता है, छोटा सा मीटर में एक कांटा होता है, वो कांटा हमेशा ग्रीन पे होना चाहिए, रेड पे नहीं होना चाहिए, रेड पे है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके फायर एस्टिगेशर में जो लिक्विड होता है, जो गैस होता है, वो खत्म हो गया है, तो उसे फिलअप करा लीजिए, और उसको हर 6 महीने पे उसका एक्सपायरी होता है तो उसका इंस्पेक्शन का डेट आप चेक कर लीजिए, अगर इंस्पेक्शन डेट खत्म हो गया है तो उसे फिर से इंस्पेक्शन करा लीजिए, और इंस्पेक्शन स्टिकर को आप हमेशा देखते रहिए, वो 6 महीने का टाइम होता है तो 6 महीने तक उसका इंस्पेक्शन चलता है। उसके बाद में आप क्रेन को इतना चेक करने के बाद में आपका क्रेन स्टार्ट करने के लिए तैयार है, अभी आपके क्रेन में नीचे जो जर्नल चेक होता है वो पूरी तरह से आप चेक कर चुके हैं, इसमें आपका कोई भी अब टेंशन की बात नहीं है, आप क्रेन को स्टार्ट कर सकते हैं। जब क्रेन स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद में आप उसके सब मीटर और गेज को एक बार चेक कर लीजिए, सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, जैसे कि क्रेन का आरपीएम मीटर होता है, तो क्रेन में आरपीएम मीटर आप इस लेटर दबा के आप चेक कर सकते हैं, क्रेन का आरपीएम मीटर काम कर रहा है, उसमें हावर मीटर होता है, वो हावर काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद में क्रेन का इंजन का जो प्रेशर मीटर होता है, जो प्रेशर गेज भी कहते हैं, तो इंजन ऑयल का प्रेशर गेज भी आप चेक कर सकते हैं, वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। ट्रांसमिशन का गेज होता है, ट्रांसमिशन का गेज भी आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर का जो मीटर होता है वो आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में इंजन कूलेंट टेम्परेचर का गेज होता है, तो इंजन कूलेंट टेम्परेचर का गेज भी आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में फ्यूल का गेज होता है, फ्यूल का गेज आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में एयर प्रेशर का गेज होता है, तो एयर प्रेशर का आप गेज चेक कर लीजिए, सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको मीटर के बारे में थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि मीटर किस तरह से है। तो ये जो है ये मेरा आरपीएम का मीटर है, ये आरपीएम का दिखाता है, और यहाँ पे हावर मीटर है जो हावर के बारे में दिखाता है, ये जो है मेरा किलोमीटर के बारे में दिखाता है, कितना किलोमीटर की स्पीड में चल रहा है उसके बारे में दिखाता है, और कितना किलोमीटर क्रेन चल चुका है उसके बारे में दिखाता है। यहाँ पे आप देखिए ये जो है मेरा वाटर हीटर के बारे में दिखाता है, जो कूलिंग टेम्परेचर जो होता है उसके बारे में दिखाता है। ये मेरा फ्यूल का मीटर है, फ्यूल का गेज दिखाता है, अभी मेरे क्रेन में कितना फ्यूल है उसके बारे में दिखा रहा है। उसके बाद में ये जो है मेरा एयर प्रेशर दिखाता है, एयर क्रेन में कितना एयर का प्रेशर है उसके बारे में दिखाता है।
ये जो है ये इंजन ऑयल टेम्परेचर के बारे में दिखाता है, इंजन ऑयल का कितना टेम्परेचर है उसके बारे में दिखाता है। तो इसी तरह दोस्तों आप अपने क्रेन में जितना भी गेज होते हैं वो क्रेन स्टार्ट करने के बाद में सब गेज को एक बार सही ढंग से चेक कर लीजिए कि सब गेज सही से काम कर रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आप गेज के बारे में, गेज आपका खराब है तो आपको क्रेन चलाते समय आपको पता नहीं चलता है कि क्रेन में कितना ऑयल है, कितना फ्यूल है, क्रेन इंजन का टेम्परेचर कितना हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, वाटर लेवल का टेम्परेचर, कूलेंट का टेम्परेचर कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो ये गेज से हमें अच्छे से पता चल जाता है और क्रेन में काम करते समय हमें कोई टेंशन नहीं होती है। उसके बाद में आप एंटी टू ब्लॉक को हमेशा चेक कर लीजिए, क्रेन में जो हुक के पास में जो एंटी टू ब्लॉक होता है कि वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। वो उससे क्या होगा, अगर आपका एंटी टू ब्लॉक सही काम नहीं कर रहा है और आप अगर कहीं हुक ऊपर ले जा रहे हैं तो आपके बूम में जाके टच हो जाएगा और आपका बूम और हुक दोनों भी डैमेज होने का खतरा होता है। इसीलिए क्रेन के एंटी टू ब्लॉक को हमेशा सही करवा के रखना चाहिए ताकि हम कभी ध्यान नहीं देते हैं और हुक अगर ऊपर चला जाता है तो बूम में नहीं टच होगा, जिससे बूम डैमेज होने से बच जाता है। उसके बाद में आप अपने क्रेन के कंप्यूटर को स्टार्ट करके उसका RCL चेक करिए। RCL का फुल फॉर्म होता है रेटेड कैपेसिटी लिमिट, ये RCL का फुल फॉर्म होता है। तो उसमें आप कंप्यूटर स्टार्ट करके RCL को स्टार्ट करके आप एक बार चेक कर लीजिए जो उसमें रीडिंग है सही ढंग से चल रही है कि नहीं। उसमें जो भी है बूम लेंथ है, रेडियस है, बूम एंगल होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी होती है, मिनिमम कैपेसिटी होती है, आपका रोटेशन का जो 360 में जो आपका क्रेन रोटेशन करता है उसके बारे में वो दिखा रहा है कि नहीं, ये सब आप उसमें रीडिंग सेट कर सकते हैं। उसमें जैक का आप सेट कर सकते हैं और जैक का सेट कर सकते हैं, बूम को सेट कर सकते हैं और हुक को सेट कर सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइन सेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कंप्यूटर के बारे में, तो आप मेरे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें कंप्यूटर सेटिंग के बारे में पूरा बताया हूँ। तो आप काम करने से पहले ये सब आप चेक कर सकते हैं कि पूरी रीडिंग कंप्यूटर की काम कर रही है कि नहीं। उससे क्या होता है कि आपको लिफ्टिंग करते समय कोई भी दिक्कत नहीं आता है, आप जितना भी लोड उठाते हैं वो लोड के बारे में आपको पूरा आपका जो RCL है वो कंप्यूटर है वो आपको पूरा बता देता है, कितना रेडियस है, कितना बूम लेंथ है, कितना बूम का एंगल है, बूम का लेंथ कितना है, ये सब आपको उसमें बता देता है। तो इसे आप एक बार जरूर चेक कर लें। उसके बाद में आप अपने आउटरिगर को भी चेक कर सकते हैं, आउटरिगर निकाल के आप चेक कर सकते हैं, उसके स्टेबलाइजर चेक कर सकते हैं, जो जैक होता है वो आप लगा के चेक कर सकते हैं कि कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो वो उसके बारे में आप काम करने से पहले चेक कर सकते हैं। उसके बाद में क्रेन को लेवल करके आप देख लें, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, क्रेन को लेवल कैसे किया जाता है। जो पानी का वाटर का लेवल होता है वो पानी के वाटर के लेवल से हम लोग क्रेन को सही ढंग से पार कर सकते हैं। अब क्रेन को पार करेंगे तो उसमें वाटर का लेवल होता है, वाटर के लेवल के हिसाब से आप क्रेन को सही ढंग से लेवल करके एक लेवल में खड़ा कर सकते हैं, जिससे कि आप लिफ्टिंग करेंगे तो लेवल है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर लेवल नहीं है तो आपका कभी कभी क्रेन जिधर लेवल डाउन होता है उधर ही आपका क्रेन ऑटोमेटिक स्विंग होने लगता है, तो उससे आप बच सकते हैं और खतरा हो सकता है, उससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह क्रेन का जर्नल चेकअप करके आप क्रेन को मेंटेन रख सकते हैं, क्रेन का मेंटेनेंस आप सही रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और क्रेन में कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप अगर ये सब चेक करते हैं तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, जिससे कि आप बड़े मुसीबत से बच सकते हैं, बड़ी अनहोनी होने से आप बच सकते हैं और क्रेन का सही ढंग से आप ख्याल रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें भी आपसे ये जर्नल क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रेन के रख रखाव के बारे में या क्रेन का मेंटेन कैसे आप रखते हैं, क्रेन स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है और क्रेन स्टार्ट करने के बाद में जर्नल चेकअप क्या क्या करते हैं। तो उसके बारे में ये दोस्तों ये वीडियो था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को एक लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि ऐसी ऑपरेटिंग से संबंधित मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो ओके, थैंक यू दोस्तों, आपने पूरा वीडियो वॉच किया होगा तो आपको इससे जरूर नॉलेज मिलेगा और मुझे उम्मीद है आपका अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या क्रेन अगर आप चला रहे हैं तो इससे आपको जरूर मदद मिलेगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू।